सेक्सी लेडीज वेयर के साथ अपने वार्डरोब को दे एक नया अंदाज। सपा लेडीज वेयर में आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव कैजुअल वेयर, ओकेजनल ड्रेसेस, ब्राइडल अटायर, पार्टी वेयर, वो भी प्रीमियम क्वालिटी में बहुत ही रीजनेबल रेट्स में। सपा फैंसी वेयर में लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रेसेस भी अवेलेबल है, अफोर्डेबल से लेकर एक्सक्विजिट एलिगेंस तक। सपा लेडीज वेयर में ड्रेसेस की रेंज शुरू होती है सिर्फ ₹250 से, और अगर आपको परफेक्ट फिटिंग की जरूरत है तो यहाँ आपको स्टिचिंग फैसिलिटी भी मिलेगी। यहाँ होलसेल, रिटेल और रीसेल सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी फिरदौस मस्जिद के पीछे सबा फैंसी लेडीज वेयर। भिवंडी में 20 मई को लोकसभा इलेक्शंस हुए, जिसके बाद ईवीएम मशीन्स को भिवंडी तालुका के एक गोदाम में रखा गया, लेकिन शुक्रवार को स्ट्रांग रूम से बाहर पुराने कंप्यूटर्स ले जा रहे टेम्पो को शरद पवार गुट की एनसीपी के समर्थकों ने रोक लिया, जहां बालिया मामा ने पहुंचकर पूछताछ की और मांग की कि स्ट्रांग रूम में जाने वाली और वहां से निकाले जाने वाली हर चीज का परमिशन लेटर होना चाहिए। भिवंडी तालुका के खारबाव गांव में एक ट्रक चालक ने दो छात्रों को कुचल दिया। बताया गया कि 7वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र एक्टिवा पर सवार थे, तभी उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसे सीसीटीवी की मदद से पुलिस ढूंढ रही है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। इस कार में 5 बच्चों समेत 11 लोग सवार थे। ड्राइवर ने गाड़ी से आग के शोले उठते देखे और फौरन ब्रेक लगाकर सभी को बाहर निकाला, और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। वक्त पर ब्रेक लगाने और सभी को बाहर निकालने की वजह से 11 लोगों की जान बच गई। भिवंडी में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। टेम घर की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उन्हें किसी अज्ञात शख्स का कॉल आया, जिसने नौकरी का झांसा देते हुए तकरीबन 80,000 रुपए लूट लिए। जब कई दिनों के बाद नौकरी नहीं मिली, तब महिला ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। भिवंडी के कल्याण रोड स्थित रहने वाली एक विवाहित महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए टॉर्चर करने का मामला दर्ज करवाया। महिला ने बताया कि उनके ससुराल वाले हमेशा उन्हें दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। भिवंडी पुलिस आए दिन रेती माफियाओं पर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर यहां रेती खाड़ियों से निकाली जा रही है। एक बार फिर नारकोली पुलिस ने कालहेर स्थित अवैध तरीके से निकाले गए रेती के जखीरे को बरामद किया, जिसकी कीमत 90,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की मजीद जाँच में जुट गई है। भिवंडी शहर के धामनकर नाके स्थित एटीएम में की गई छेड़छाड़। बताया गया कि किसी अज्ञात शख्स ने पैसे चोरी करने के इरादे से एटीएम में छेड़छाड़ की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच की जा रही है। वसई में एक रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबकर 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया गया कि दोपहर के खाने के लिए पूल में मौजूद सभी लोग बाहर आए, जिसमें बच्ची की दादी भी शामिल थी, और बच्ची खेलने के लिए वापस चली गई, लेकिन पूल में डूबकर बच्ची की मौत हो गई। बताया गया कि रिजॉर्ट में लाइफगार्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन लंच के लिए वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे।